आंधी कुई से बच्ची के बोरवेल में गिरने के मामले में बड़ी अपडेट। बोरवेल में गिरी बच्ची को निकालने की कोशिशें जारी हैं। 500 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची गिर गई। 30 फीट पर यह मासूम अभी फंसी हुई है। मेडिकल टीम ने बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचा दी है। बोरवेल से 25 फीट की दूरी पर जेसीबी से गड्ढा खोदा जा रहा है। नीरू को बचाने के लिए दुआओं का दौर जारी है। बोरवेल के आसपास लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। और आशीष शर्मा दौसा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और बच्ची की फिलहाल स्थिति कैसी है? बिल्कुल, बच्ची की स्थिति पूरी तरह से कुशल है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में बच्ची मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन 5 घंटे बच्ची को इस बोरवेल में गिरे हुए हो चुके हैं। इसमें बच्ची काफी थक चुकी है क्योंकि बार बार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने कुछ जालनुमा एक इक्विपमेंट बोरवेल के अंदर भेजा था और बच्ची से बार बार रिक्वेस्ट की गई थी, उसे प्रेरित किया गया था कि वो उसे जो जाल जो रिंग नुमा जो इक्विपमेंट है उसको पकड़े। लेकिन बच्ची उसको पकड़ने की कोशिश भी करती थी लेकिन बार बार उसको वापस छोड़ देती थी क्योंकि बच्ची की उसकी उम्र काफी छोटी है। लेकिन अब वो बार बार प्रयास करने के चक्कर में बच्ची अब काफी थक चुकी है। इस कारण उसको दूध और बिस्कुट भी अंदर बोरवेल के अंदर भिजवाया गया है और उसने दूध पीने की कोशिश भी की है, हल्का सा, लेकिन ज्यादा दूध वो पी नहीं पाई है। अब लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहले 25 फीट दूरी से एक गड्ढा खोदा गया है और करीब 6 से 7 जेसीबी मशीनें लगातार काम कर रही हैं। बीच में इस कार्य को रोका गया था क्योंकि एनडीआरएफ की टीम ने एक रिंग नुमा इक्विपमेंट भेजा था लेकिन वो जब आशीष बताया जा रहा है कि बोरवेल जो है वो 500 फीट गहरा है और बच्ची 30 फीट पे अटकी हुई है। क्या इसका कोई तकनीकी समाधान खोजा गया है कि बच्ची 30 फीट से नीचे ना जाए, क्योंकि अगर वो और नीचे चली जाती है स्लिप होकर तो काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, ये बोरवेल 500 फीट है लेकिन बच्ची के नीचे जाने की संभावना बहुत कम इसलिए है क्योंकि जो ये बच्ची गिरी है ये बोरवेल में सीधी नहीं गिरी है, बोरवेल के बगल में होके तो बारिश के कारण जो दब गया था बोरवेल हल्का था उस जगह से होकर ये बच्ची बोरवेल के अंदर गई है। और 30 फीट की जो गहराई के बाद वो जो धसने वाली जगह और बोरवेल दोनों मिलान हो रहा है उस जगह पर जहां पर ये बच्ची अटकी हुई है। इस समय ना के बराबर संभावना है वो बच्ची के नीचे जाने की, लेकिन 30 फीट की जो गहराई है अगर मिट्टी गिर गई और बच्ची मिट्टी में दब गई तो एक बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सकुशल बच्ची को निकाला जाए। इस कारण जेसीबियां दूर से काम कर रही है ताकि बोरवेल में मिट्टी नहीं जाए, किसी भी तरीके से बच्ची का जो चेहरा है मुंह है वहां पर मिट्टी का कोई ढेर या कोई नहीं गिरे। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर से चल रहा है, क्या कहना है रेस्क्यू टीम का, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का, कितना वक्त और बच्ची तक पहुंचने में? देखो, 3 तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक जो जेसीबी जो एलएनटी मशीनें खुदाई कर रही हैं, अगर ये ट्रिक काम ली जाती है और इससे निकाला जाएगा तो करीब 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। बाकी जो एनडीआरएफ की टीम ने जो रिंग नुमा जो इक्विपमेंट भेजा है, बच्चे से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो पकड़ ले। जैसे ही बच्ची उस रिंग नुमा इक्विपमेंट को पकड़ेगी तो ऊपर से एक लॉक सिस्टम होता है, उसको लॉक करते ही बच्ची उसमें फंस जाएगी और बच्ची ऊपर बाहर आ जाएगी। तो वो काफी इजी प्रोसेस है लेकिन बशर्ते बच्ची उसको पकड़े। लेकिन आशीष, उस रिंग को पकड़ने के लिए बच्ची बहुत छोटी है, शायद नहीं समझ पा रही है कि रेस्क्यू टीम क्या चाहती है। बिल्कुल, जो बच्ची की माँ है और उसके पिता है उनको बार बार बोरवेल के पास लाकर आवाज लगाई जा रही है कि बच्ची इसको पकड़ ले, कुछ जो घर की जो बातें हैं उसको बताकर कोशिश की जा रही है ताकि बच्ची इसको पकड़े। लेकिन बच्ची पकड़ने की कोशिश भी करती है, बच्ची अपने परिजनों के पास समझती भी है लेकिन वो उस तरीके से ये नहीं जानते कि इसको लगातार पकड़ना है या इसको थोड़ा सा और पकड़ना है। इस कारण बच्ची ये निकल नहीं पा रही है और बार बार कोशिश की जा रही है लेकिन ये है कि बच्ची फिलहाल कुशल है लेकिन कुछ 5 से 6 घंटे बीतने को है। छोटी मासूम जान है इसलिए उसको निकालना समय पर बहुत जरूरी है, नहीं तो काफी देरी हो सकती है। इसी कारण पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला कलेक्टर, एसपी, विधायक, स्थानीय भागचंद डॉक्टर सभी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि बच्ची को कुशल निकाला जाए। साथ ही जो सवाई माधोपुर और लालसोट क्षेत्र में जो देसी जुगाड़ से जो बच्ची को जो बोरवेल में फंसे बच्चों को निकालने के जो लोग हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है। ऐसे में देसी तकनीक को भी काम में लिया जा रहा है। ऐसे में कौन सी तकनीक सफल होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। आशीष, लेकिन सीसीटीवी एक कैमरा भी लगाया गया है जिसकी सीधी लाइव तस्वीरें ऊपर देखी जा सकती है जैसा कि हम इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो क्या जो है इस समय अगर आप वहां पर मौजूद है स्क्रीन देख पा रहे हैं तो क्या बच्ची का मूवमेंट नजर आ रहा है इस स्क्रीन पर?
बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज मेरे सामने है और स्क्रीन पर लगातार बच्ची का मूवमेंट नजर आ रहा है। बच्ची मूवमेंट कर रही है, जैसे ही उनके परिजन जो रिंग नुमा इक्विपमेंट को पकड़ने के लिए बोलते हैं तो बच्ची कोशिश करती है। ऐसे में जैसे ही कोशिश करते हैं तो लोगों को उम्मीद बन जाती है कि बच्ची अब पकड़ लेगी, लेकिन वो वापस छोड़ देती है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में जो यहाँ लोगों की भीड़ है वो सब यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची सहकुशल बाहर आए, जल्दी बाहर आए, ये कोशिश की जा रही है। दुआओं का दौर जारी है और उसके परिजन रोने के साथ साथ दुआएं कर रहे हैं भगवान से कि कैसे भी करके इस बच्ची को सहकुशल बाहर निकाला जाए। हर व्यक्ति हर संभव कोशिश करने में लगा हुआ है, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि बच्ची को सहकुशल निकाला जाए। कितना टाइम लगेगा यह भी कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि बच्ची अगर वो रिंग में इक्विपमेंट को पकड़ लेती है तो 5 से 10 मिनट में बच्ची बाहर निकल सकती है, और यदि वो नहीं पकड़ पाती है तो 2 से 3 घंटे का समय भी लग सकता है। आशीष, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनाव को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। सियासी घमासान, उपचुनाव का मैदान, 7 सीटों का रण, बीजेपी कांग्रेस का प्रण, उपचुनाव की बेला, 7 सीटों का खेला। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी विधानसभा उपचुनाव की है। राजस्थान में पहले 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन ये संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। 5 विधायकों के सांसद बनने से 5 सीटें खाली हुई थी। वहीं अब सलुम्बर और रामगढ़ सीट पर भी उपचुनाव होने तय हैं। ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां मौजूदा विधायकों का निधन हो गया है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों की बात करें, उससे पहले जान लेते हैं कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। देवली उनियारा, जहां से विधायक हरीश मीणा अब सांसद बन चुके हैं। दौसा विधानसभा, कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा सांसद बन चुके हैं। झुंझुनू विधानसभा, कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला अब सांसद हैं। 84 विधानसभा, बाप विधायक राजकुमार रोत अब सांसद बन चुके हैं। खीवसर विधानसभा, आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल अब सांसद हैं। सलुम्बर विधानसभा, बीजेपी विधायक अमृत लाल मीणा का निधन हो चुका है। रामगढ़ विधानसभा, कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की सीटों पर भी सेंध लगाने में जुटी हुई है। बीजेपी संगठन स्तर पर उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी स्तर पर दिशा में रणनीति पर काम चल रहा है। उनको अपनी 6 सीटें बचाने में जोर आएगा, मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता है। उनकी है 6 सीटें, उनकी कांग्रेस की है ना, पहले से जीती हुई, वो बचा तो दे, बचा ही नहीं पाएंगे वो। उनके उनको अपनी 6 सीटें बचाना है, ये चुनौती है उनके सामने। हमारी चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं कि हम 7 जीतेंगे। लेकिन सर, बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, आपके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, जो 7 जो सीटें हैं उनके ऊपर उपचुनाव को लेकर किस तरीके से देखते हैं हम? 7 जीतेंगे और 6 कांग्रेस की सीटें हैं, हम छीन लेंगे। उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन भाजपा ने उपचुनाव वाली सीटों पर फोकस तेज कर दिया है। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर ने दौरा कर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। बीजेपी दावा कर रही है कि वो 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सभी लोग इस पार्टी के संगठन को बढ़ाने में या इन चुनाव की दृष्टि से देखें तो सभी जगह हमारी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है, कार्यकर्ता तैयार है, और जिस प्रकार का माहौल आज राजस्थान के अंदर है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जो कि एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर जो आम जनता में भी एक विश्वास कायम हुआ है कि अगर कोई जनता की सेवा कर सकता है, इस राजस्थान का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन विधानसभा सीट खाली होने के 6 महीने के बाद आयोग उपचुनाव करवाता है।
ऐसे में मई में हुए लोकसभा चुनाव के लिहाज से नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। उपचुनाव के लिहाज से पिछले कई चुनाव से अपने खराब परफॉर्मेंस की शिकार रही बीजेपी की कोशिश होगी कि इस बार उपचुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतकर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 114 से अधिक बढ़ाई जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन पर देश में गर्मा गर्म बहस चल रही है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद माहौल और गर्म हो गया है। एक साथ चुनाव करवाने से देश को कितना फायदा और नुकसान होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। का बड़ा डिसीजन, वन नेशन वन इलेक्शन। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, वन इलेक्शन कितना जरूरी। बिल लाएगी केंद्र सरकार, विरोध के लिए विपक्ष तैयार। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी ने सियासी माहौल और गर्म कर दिया है। संसद के शीत सत्र में सरकार इससे जुड़ा बिल लेकर आ सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग करते हुए इसकी पुष्टि की है। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी Recommendations on one nation, one election, on simultaneous elections. अब आपको एक देश एक चुनाव से फायदे बताते हैं। 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे। दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिलेगा। चुनाव पर होने वाला खर्च बचेगा। सरकारी संसाधनों की बचत होगी। एक देश एक चुनाव पर कमेटी ने क्या सुझाव दिया है ये भी आपको बताते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था। इनमें से 47 ने जवाब दिया। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया और 15 पार्टियों ने इसका जवाब नहीं दिया। और देश भर में अब वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीति हो रही है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं। और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। एक देश एक चुनाव की जरूरत आखिर क्यों महसूस हो रही है, इसकी वजह भी समझना जरूरी है। पिछले 8 दशकों का आंकड़ा देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। साल 1951 से 1960 के बीच देश में कुल 25 चुनाव हुए। साल 1961 से 1970 के बीच देश में कुल 46 चुनाव हुए। साल 1971 से 1980 के बीच देश में कुल 71 चुनाव हुए। साल 1981 से 1990 के बीच देश में कुल 59 चुनाव हुए। साल 1991 से 2000 के बीच देश में कुल 59 चुनाव हुए। साल 2001 से 2010 के बीच देश में कुल 62 चुनाव हुए। साल 2011 से 2020 के बीच देश में कुल 63 चुनाव हुए। साल 2021 से 2023 के बीच देश में कुल 21 चुनाव हुए। वन नेशन वन इलेक्शन सदन में पास हो पाता है या नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी इसे लेकर सियासी पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
ये खबर झुंझुनू से, जहां सिंघाना में एक महिला को गोली मार दी गई। घर में महिला काम कर रही थी, इस दौरान दो युवकों ने उस पर गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोली मारने वालों में हिस्ट्री शीटर उमेश सातड़िया भी शामिल था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। राम मेरे अंकल जी, उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि उमेश ने सजना को गोली मार दी, जल्दी भाग गया। तो मैं घर वापस गया और वहां से हम कैंपर में डाल के हॉस्पिटल में लेके आए। राजस्थान में बने नए 17 जिले खत्म होंगे या बने रहेंगे, इस पर कैबिनेट सब कमेटी की आज बैठक हुई, जिसमें रिटायर्ड आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मंथन हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए, बुधवार को सचिवालय में 17 नए जिलों को लेकर मंत्री मदन दिलावर के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्राधिकार, भौगोलिक स्थिति, आबादी सहित अलग अलग आधारों को लेकर नए सिरे से मंथन हुआ। ये मीटिंग पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हुई थी। मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब तक फैसले को अंतिम रूप नहीं दे देते, बैठकें होती रहेंगी। वहीं मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि जल्द ही कमेटी अपने नतीजे पर पहुंचेगी। जब तक अंतिम रूप नहीं दे देंगे तब तक बैठकें होती रहेंगी। आज ये बैठक है, किस तरह की चर्चा हुई है ललित के पवार कमेटी में? बहुत बारीकी से हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अभी अगली जो बैठक होगी तब इससे आगे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या आधार मापदंड कमेटी ने तय किए हैं कि ऐसे मापदंड? सब अध्ययन कर रहे थे। चेयरमैन मदन जी दिलावर साहब ने सब जिलों के बारे में पूरी समीक्षा की और चर्चा भी की। अभी कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे हैं, परंतु फिर भी आने वाले समय में जो भी ये जिलों के मामले हैं उसमें सकारात्मक रूप से काम किया जाए। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और 3 संभागों का पुनर्गठन राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर गठन किया था, जिसको लेकर बीजेपी लगातार विरोध भी कर रही थी। अब प्रदेश में बीजेपी सत्ता पक्ष में है, ऐसे में राज्य सरकार ने गठित नए जिलों की प्रशासनिक जरूरतों, वित्तीय संसाधनों सहित कई बिंदुओं पर समीक्षा का फैसला किया था। राजस्थान में नए जिलों में अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बालोतरा, जयपुर शहर, खैरथल, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, डिग, जोधपुर शहर, फलौदी, डीडवाना, जोधपुर ग्रामीण, सलुम्बर, दूदू, केकड़ी, सांचोर और शाहपुरा शामिल है। इसके अलावा राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए गए हैं, जिनमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर शामिल है। बता दें, चुनाव के चलते इनके गठन की पूरी प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हुई है। ऐसे में अब प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से समिति का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ये बड़ी खबर चूरू के सुजानगढ़ से, जहां शख्स को रोहित गुदारा के नाम से धमकी मिली है। सुजानगढ़ के रहने वाले जावेद पलदार को व्हाट्सएप कॉल के जरिए फोन कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और धमकी देने वाले ने खुद को रोहित गुदारा बताया। पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। रोहित गुदारा नाम के व्यक्ति का, वो बोल रहे थे मुझे 2 करोड़ रुपए दो। मैं बोला मेरे पास नहीं है, तो बोला घर मकान बेच के दो, बदले में चाहे आप किसी का मर्डर करा लो या हथियार दे लो मुझसे। मैं बोला मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना, बोला पैसे दो मुझे। बोला फिर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था उन्होंने, बोला था ये रिकॉर्डिंग प्रशासन से चेक करा लेना मैं कौन हूँ। अगर तुम अपनी तो सेफ्टी करा लोगे थाने अधिकारी से, अपने परिवार की कैसे करोगे? तो मुझे, मैं अपील है थाना अधिकारियों से, सरकार से, कि मुझे और मेरे परिवार को सेफ्टी प्रदान करें।